प्रमोशन के बिना अभी कोई भी यूट्यूबर जो न्यू क्रिएटर है या फिर बोल सकते हो अभी अभी जो न्यू यूट्यूबर आते हैं आए हैं वो मतलब बिना प्रमोशन के कोई भी यूट्यूबर अभी सक्सेस नहीं हो सकता एंड अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम सरोज प्रजापति और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा और बताने वाला हूँ कि क्या सच में यार ऐसा हो रहा है। अभी जो भी क्रिएटर्स आप देख रहे होंगे न्यू यूट्यूबर अभी डेली कैटेगरी मतलब लाखों करोड़ों अभी यूट्यूब पे मतलब आ रहे हैं यार और बोल रहे हैं मैं यूट्यूब पर एक कैटेगरी वाइज वीडियो को अपलोड करते जाऊंगा और देन मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो ग्रो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत जो क्रिएटर्स हैं वो अभी बोल रहे हैं कि यार प्रमोशन मेरा कोई मतलब यूट्यूबर जो है बिगिनर क्रिएटर्स अगर मेरे यूट्यूब चैनल को प्रमोट कर देता है तो देन मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो ग्रोविंग स्टार्टिंग हो जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल का। तो क्या कुछ होने वाला है आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंदर तक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि मैं इसी टैक्स से रिलेटेड अदरवाइज कोई इंफॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को बनाता रहता हूं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली में हुआ क्या और होता क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। कोई भी न्यू यूट्यूबर आता है यूट्यूब पर, बोलता है मैं एक कैटेगरी वाइज कोई भी कैटेगरी हो गया, टैग कैटेगरी से रिलेटेड हो गया, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो गया, अदरवाइज कोई भी किसी से भी रिलेटेड उसने सोचा कि मैं वीडियो क्रिएट करूंगा एक कैटेगरी वाइज, ठीक है, एंड अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते जाऊंगा देन मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो ग्रो हो जाएगा। फिर बाद में सोचता है यार मतलब सोचता है कि अपलोड 10-15 वीडियो अपलोड कर देने के बाद सोचता है यार मेरा चैनल ग्रो ही नहीं हो रहा, क्या करूं मैं। धीरे धीरे डिमोटिवेट होते जाता है एंड सोचने लगता है कि जो बिगिनर क्रिएटर्स है अगर मेरे जो यूट्यूब चैनल को प्रमोट करवा लें अपने यूट्यूब चैनल को देन मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो ग्रो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं आप लोगों को बताता हूँ, प्रमोट करने का तो कर देगा कोई भी बंदा, मतलब ऐसे कुछ भी मतलब आप बोल सकते हो कोई शिकायत लेकर प्रमोट करवाता है एंड कोई मतलब सिद्धत से मतलब कुछ भी करके अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करवाता है बिगनर क्रिएटर से, तो एक्चुअली में इसमें कोई आपका फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। प्रमोट करने का कर देगा लेकिन जो भी उसका सब्सक्राइबर्स बेस है, मान लीजिए मेरे कहने का, मान लीजिए मैं एक क्रिएटर्स हूँ बिगिनर क्रिएटर्स से एग्जांपल के तौर पर मैं डेमो करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं एक बिगिनर क्रिएटर्स हूँ और आप एक लवर क्रिएटर्स हो, ठीक है। तो आपने मुझे बोला कि यार मेरे चैनल को सरोज भाई मेरे चैनल को प्रमोट कर दो, मैं मतलब आपको कुछ पैसे देता हूँ या फिर अदरवाइज कुछ भी मतलब आपने बोला, तो मैंने बोला कि ठीक है यार मैं प्रमोट कर देता हूँ आपके यूट्यूब चैनल को एंड मेरे मतलब आपके यूट्यूब चैनल को मैंने प्रमोट कर दिया, आपने वीडियो पर दिखा दिया आपके आपके मतलब सब्सक्राइबर तक जाएंगे, मतलब आपका जो यूट्यूब चैनल मेरे मतलब सभी तो मान लीजिए 1,00,000 सब्सक्राइबर है मेरा, तो 1,00,000 में आपको मतलब कुछ हजार या फिर बोल सकते हो 5,000, 2,000, 3,000 कुछ ऐसे सब्सक्राइबर भी आपके यूट्यूब चैनल तक जाएंगे, पूरा का पूरा नहीं जाएंगे। और बोल सकते हैं कोई जितना भी सब्सक्राइबर्स जाएंगे हमेशा तक टिक कर रह सकते हैं, ये सब कोई गारंटी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो बोल रहे हो यार कैसे होगा मतलब कोई भी बंदा प्रमोट करके अभी आगे बढ़ रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कंटेंट इज किंग। अगर आपका कंटेंट में इंप्रूवल है, बढ़िया तरीके से आप वीडियो को क्रिएट करते हो, देन आपका जो यूट्यूब चैनल है वो ग्रो एक दिन होना ही होना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये छोटी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि मैं सिर्फ टैक्स से रिलेटेड अदरवाइज इंफॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को बनाते रहते हैं। तो मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।